अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बांगड़ा मच्छी का सालन। इसके लिए मैंने मच्छी अच्छे से धोकर साफ करके रखी हूँ। इसके मैं दो पीस कर लूँगी। मैंने मच्छी के दो दो पीस करके रखी हूँ। मसाला तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल के गरम करने के लिए रखी हूँ। इसमें डालूंगी 2 मोटे मोटे कटे हुए प्याज। एक डली लहसुन को मैंने छील के रखी हूँ। अभी मैं इसमें ये डालूंगी लहसुन। 2 टुकड़ा गीला नारियल, इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। प्याज को हमें हल्का सा नरम करना है। प्याज नरम हो चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी 3 कटे हुए टमाटर। टमाटर को मैंने जाड़ा जाड़ा ही काटी हूँ और थोड़ी सी कोथमीर भी इसी में डाल के हम टमाटर को अच्छे से गला लेंगे। इसे हम चम्मच से हिलाते रहेंगे। टमाटर पक चुका है। अभी मैं गैस को बंद करके इसे ठंडा होने रख दूंगी। मसाला ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसे मिक्सर में पीस लूंगी। मसाला पीसकर हो चुका है। सालन के लिए मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तेल में मैं डालूंगी 2 चम्मच राई जीरा। राई फूट चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ मसाला। इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी इसके रखी। इसमें मैं डालूंगी जीरा मेथी पाउडर, इसको मैंने भून के पीस के रखी थी 1 चम्मच। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी इमली का पानी और इसे मिक्स कर लूंगी। इमली का पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 गिलास पानी, स्वाद के हिसाब से नमक। इसमें मैं डालूंगी कड़ी पत्ता। इसको अभी मैं ढक्कन ढक कर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। सालन में उबाल आ चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी मच्छी। अभी मैं इसको बारीक आंच पे 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम मच्छी को चेक कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह मच्छी तैयार हो चुकी है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कोथमीर डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह बांगड़ा मच्छी का सालन बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना बांगड़ा मच्छी का सालन कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।